गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स, माई नेम इज़ रवि कुमार। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाई रवि। टुडे माई टॉपिक इज ब्लू कॉलर जॉब इन जापान। आज का जो टॉपिक है ब्लू कॉलर जॉब इन जापान, उसके ऊपर हम बात करेंगे। काफ़ी सवाल आएगी सर, जापान में जो आपने वर्क परमिट के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसमें आपने जॉब्स के बारे में बताया, लेकिन वो जॉब्स ब्लू कॉलर जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, अगर जापान में 100% जॉब्स हैं तो 70-80% जो इंडियन प्रोफेशनल्स और इंडियंस के लिए हैं वो ब्लू कॉलर जॉब अवेलेबल हैं। सो इट इज़ ट्रू और फॉल्स। सो मैं आज इस वीडियो को आप पूरा क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, कि जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं और जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं जापान में इंडियंस के लिए, और जो एशियंस पीपल हैं अपने पाकिस्तान श्रीलंका आई एम नॉट श्योर, बट इंडियंस के लिए जो है उनके ब्लू कॉलर जॉब ज़्यादा हैं या वाइट कॉलर जॉब्स ज़्यादा हैं। सो इट इज़ ट्रू, जो इंडियंस के लिए जो अभी जॉब्स निकल रही हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स ज़्यादा है कंपेयर टू वाइट कॉलर जॉब्स। वाइट कॉलर जॉब्स की डिमांड भी है अगर आपके पास उतनी स्किल है, अगर आप उतना कुछ कर सकते हैं वाइट कॉलर जॉब्स में, आप एबिलिटीज़ है, एलिजिबिलिटीज़ है, आपको श्योर वाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी। जो ये वर्क परमिट अभी जापान दे रहा है उसमें जो नंबर ऑफ पीपल और जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल हैं जापान के लिए। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब ऐसा नहीं है कि बहुत ही डर्टी जॉब्स हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स जो आपको फिजिकली आपको काम करना पड़ता है इस कॉल ब्लू कॉलर जॉब, थोड़ा टाइमिंग भी थोड़ा उनका रूड होता है, थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक काम होता है। लेकिन जैपनीज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग गाइस, अगर जापान में वाइट कॉलर जॉब भी देखें तो भी वो हार्ड वर्किंग होते हैं। और ब्लू कॉलर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी जापान में इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा है। और ये कोई बुरा नहीं है कि ब्लू कॉलर जॉब्स और वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स मीट इस सेकेंड लेवल ऑफ कंपेयर टू फर्स्ट लेवल। आप ब्लू कॉलर जॉब्स की सैलरी भी कंपेयर करेंगे वाइट कॉलर जॉब से तो ब्लू कॉलर सैलरी भी करीब करीब उसी के बराबर में आती है। वाइट कॉलर जॉब की सैलरी करीब करीब 1.5 लाख के आसपास होती है और 2 लाख के आसपास होती है। अगर आप ब्लू कॉलर की भी देखेंगे तो 1.25 लाख और 1,40,000 और 1,50,000 आराम से आपको मिल जाती है। सो इस पहले हमारे अपने माइंड को ये सेट करना है कि यार हम जापान जा रहे हैं ब्लू कॉलर, इसको आप वॉश कर लो और ड्रेन कर लो, अपने वॉश कर लो माइंड को कि हमें जॉब करनी है। और ब्लू कॉलर जॉब से भी वाइट कॉलर जॉब में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस जापान में जब आप काम करेंगे उस इन्वायरमेंट ही पता नहीं होगा तो आप वाइट कॉलर जॉब कैसे करें। वाइट कॉलर जॉब लाइक अ डॉक्टर, लाइक अ एस्ट्रोनॉट, और लाइक वेरी हाईली स्किल्ड के लिए है वाइट कॉलर जॉब इन इंडिया। अगर आप ब्लू कॉलर जॉब काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी थोड़ा कम होता है कंपेयर टू जापान के हिसाब से, और जो जापान का जो सैलरी मेजरमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी आजकल बराबर दे रहा है, सिंगापुर को भी बराबर दे रहा है। तो आज जापान एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है ब्लू कॉलर जॉब्स और वाइट कॉलर जॉब्स, थोड़ा इस कंफ्यूजन को हटा दें। आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है पहले उसको ग्रैब करें, काम करें, फिर आप अपने वाइट कॉलर जॉब जो आपका जो ड्रीम है वो आप कर सकते हैं। सो ब्लू कॉलर जॉब इज़ राइट, ब्लू कॉलर जॉब्स काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन सैलरी भी अच्छा खासा मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिल रहा है। सो ब्लू कॉलर जॉब्स में करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी दोस्त हैं वो एक रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते हैं और किसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनका सैलरी 1.25 लाख या 1.5 लाख आते हैं, लेकिन वो जब ये 4 या 5 जो TITP के थ्रू ही गए हैं, 4 या 5 साल जब वो काम करेंगे उधर और 5 साल के बाद जब वो अपने इंडिया में रिटर्न होंगे, काफ़ी अच्छा स्कोप है। और अगर आप बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आपको जैपनीज आती है वाइट कॉलर जॉब में भी आप ट्रेंडिंग मीन्स आप जा सकते हैं। सो ब्लू कॉलर जॉब्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ब्लू कॉलर जॉब्स काफ़ी अवेलेबल हैं इन जापान में, इस इज़ 100% ट्रू। और जो जापान मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, TITP के थ्रू काफ़ी इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ जाके इनरोल हो सकते हैं और ऐसी जॉब्स आप गेट कर सकते हैं। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो ऐसा बुरा नहीं कहूँगा कि ऐसा ब्लू कॉलर जॉब बिल्कुल ही गंदी जॉब है और बेकार जॉब है। जॉब इस जॉब काम करने में कोई शर्म नहीं होती है, आपको रिटर्न आना चाहिए। और विदेशों में अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर ब्लू कॉलर जॉब जैपनीज करेंगे और वाइट कॉलर इंडियंस के लिए, सो जैपनीज हर कंट्री का एक अपना अब्रॉड का लॉ होता है, ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा, वाइट कॉलर जॉब्स मोस्टली
परसेंटेज की बात करें तो लोकल गाइज होते हैं जो ब्लू कॉलर्स भी हार्ड जॉब्स होती है, थोड़ा टाइमिंग्स उनका सही नहीं होता है, ओवर टाइम वगैरह होता है, तो लोकल्स को प्रेफर थोड़ा कम होता है, तो एब्रॉड को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है। सो जापान अभी अपॉर्चुनिटी दे रहा है बिकॉज इंडो एंड जापान का कोलाब्रेशन हुआ है। उसके बाद वी आर नॉट श्योर अगर आपको जापान फ्यूचर में देखिए कि जापान एक ऐसी कंट्री है, जापान का जो इमिग्रेशन है बहुत लो रेट रहा है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम यूएस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करें। लेकिन अभी पिछले साल में जापान ने वेलकम करा है इमिग्रेंट्स को, इंडियंस को, सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब इट, नो कन्फ्यूजन एनीथिंग, ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब, जस्ट डू इट फॉर जॉब एंड गेट इट द अपॉर्चुनिटी एंड मेक योर करियर वेरी वेल। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ पूछना है आप मेरे को कमेंट्स में कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।